एक सिंपल सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम इतना लंबा स्ट्रेच करवाते क्यों? हम चाहते तो बीच में कहीं पे स्टे करवा सकते थे, या तो फिर हम पहला दिन और थोड़ा खींच लेते लंबा और सेकेंड डे को हम लोगों का थोड़ा कम होता। अब चीजें समझो, ये मनाली है, ये जिस्पा है, ये सरचू है, ये लेह है। मनाली से जिस्पा ये 90 किलोमीटर है, लेकिन इसके बाद जो सरचू का भी डिस्टेंस है ना, वो भी 85 to 90 किलोमीटर है। लेकिन ये जिस्पा टू ले मान लो 340 किलोमीटर है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट ये है, ये जिस्पा टू जो सरचू है ना, इसके अंदर में स्टे करने की जगह सिर्फ सरचू में ही है, क्योंकि यहां पे टेम्परेरी जो स्विस कैंप्स वगैरह होता है वो सीजनल लग जाता है, यहां पे सिर्फ स्टे का ऑप्शन है। हमारी आइटनरी ही ऐसी है, हम आइटनरी को एक सर्टन टाइम के अंदर मैनेज करवाना चाहते हैं कि 9 दिन में हमारा टूर ये हो जाए। तो इसीलिए अब राइड करना है एक दिन, हम इसीलिए पहला दिन आपको हल्के से राइड करवाए ताकि आप थोड़ी सी एक्लोमेटाइज हो जाओ कि एटमोस्फेयर मेरे साथ घुल मिल जाओ। अगर मैं मनाली से सीधा सरचू ले जाऊं ना, अगर यहाँ पे 240 किलोमीटर में सीधा ले जाऊं, सरचू एक ऐसा जगह है दैट इज सिर्फ एक, मतलब ऐसे दोनों साइड में पहाड़ है, ये दोनों साइड पहाड़ है और ये बीच में कुछ लैंड प्लेन लैंड है, यहाँ पे ऐसे प्लेन लैंड है, तो यहाँ पे सारी कैंप्स लग जाती है, तो यहाँ पे कैंप्स लग जाता है। ठीक है, अब ये जो कैंप्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत रात को इसीलिए होती है, ठंड बढ़ जाता है, ऑक्सीजन बहुत लो हो जाती है, तो लोगों को काफी दिक्कत होती है। यहां से 5-7 किलोमीटर दूर आर्मी कैंप है, तो आर्मी कैंप पे ऑक्सीजन वगैरह की ये कम पड़ जाए। अब देखो जिसके पास, सबके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऐसा नहीं कि 30 लोग हैं ग्रुप में तो 30 लोगों को हम 30 ऑक्सीजन सिलेंडर दे सकते हैं, ये किसी के पास पॉसिबल नहीं होगा। एक दो बंदे का तबियत खराब हुआ, 10 बंदे की, लेकिन काफी लोगों को 50% लोगों को तबियत खराब रात को होता ही, तो हॉस्पिटल लेके जाओ, ये फिर रात को सबकी हेडेक हो जाए, अगले दिन फिर लेट निकलो, फिर वही बराबर की होती है और रात का ये तकलीफ बहुत। और किसी का तबियत अगर ज्यादा खराब हुआ, या तो मनाली आएगा टूर खराब हो जाएगी, या तो ले जाके वो फ्लाइट ले लेता है। तो ये चीज सर्चू में आप कहीं पे भी आप गूगल करके भी देख सकते हो, सर्चू में AMS हिट करता है। तो डे वन में सर्चू में स्टे करना दैट इज नॉट सेफ, ठीक है, इसीलिए जिस्पा करवाते हैं। अगले दिन हम तो अर्ली मॉर्निंग निकल जा रहे हैं ना, तो 12 घंटे का राइड कर लिया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लद्दाख ऑलवेज डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन है। अगर एक जगह से निकले हो तो दूसरी जगह आपको पहुंचना ही है, क्योंकि अगर उससे पहले आप नहीं पहुंच पाओगे तो हमको बीच में कहीं पे स्टे करने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कोई ना कोई होटल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक डेस्टिनेशन से जा रहे हो तो दूसरा पहुंचना पड़ेगा। और वैसे क्या लोग सरचू में स्टे करते हैं, सरचू से ले जाते हैं, या तो जिस्पा से आते हैं, जिस्पा से सरचू में और एक नाइट स्टे करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेज बढ़ जाएगी, डेज बढ़ जाएगा तो आइटनरी चेंज हो जाएगी, उसका पैकेज कॉस्ट अलग जाएगा। ये बहुत रीजनेबल पैकेज है, बहुत रीजनेबल पैकेज मैं बता दूंगा उसको। तो समझ में आया कि हम लंबा इसलिए नहीं खींचते हैं ताकि आपका तबियत वगैरह तबियत खराब ना हो, और दूसरे हम इसलिए स्ट्रेस करते हैं 6 बजे तक 7 बजे तक पहुंच जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 बजे लद्दाख में समर में शाम होती है, तो आराम से यू विल गेट एम्पल टाइम, फ्रेशन अप होकर 10 बजे डिनर लगती है। ठीक है, तो हम मंडे शाम को, हम फ्राइडे को दिल्ली से निकले थे, फ्राइडे को दिल्ली से निकले, सैटरडे को मनाली पहुंच गए, संडे को हम जिस्पा पहुंचे, मंडे इवनिंग को हम ले पहुंच गए। अब मंडे इवनिंग को जैसे हम ले पहुंच गए, अब नेक्स्ट डे हमारा आता है ट्यूसडे को। ट्यूसडे मॉर्निंग हम लोग 8 बजे तक उठ जाते हैं, 9 बजे तक ब्रेकफास्ट लगता है, तो अराउंड मैक्सिमम 10 AM तक मॉर्निंग में हम लोग निकल जाते हैं ले से।